क्या मम्मी, इतनी देर लगती है गेट खोलने में? अरे क्या करूं, कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनती तो है नहीं। आप ही ने लेके दिया था बचपन में से ये बाजा। क्या करूं, गलती हो गई मेरे से, इसको लेके दे दिया बाजा। पूरा दिन बाजा बजाती रहती। अंशिका ले जा सब्जी अंदर ले जा, कुछ काम कर लिया कर। अरे बाजा, ये मेरी बहन बजा रही है, अपन क्या बजा। हेलो अस्मिता, कैसी हो तुम? हेलो अंशिका, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। यार वैसे ये बात तो सही कह रही है, पर फिर मेरे सपनों का क्या? हाय अंशिका, पहचाना मुझे? नहीं आप। अरे वो तुम्हारे स्कूल की फ्रेंड, मैं तमन्ना। तमन्ना, ओ हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, क्या चल रहा है लाइफ में? बस कुछ नहीं यार, मैं अभी तो आर्टिस्ट बन गई हूँ, तो रोज। अरे वाह यार, वाह। चलो फिर, किसका इंतजार कर रही हो तुम यहाँ? मैं भैया का इंतजार कर रही हूँ, घर से लेने के लिए आएंगे। मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें, चलो। अच्छा, पर उससे पहले हम गार्डन चलेंगे, बहुत साल हो गए हमें बात करे हुए, ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है चलो। अरे लाइट तो ऑन कर ले। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, वही बोरिंग लाइफ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। हाँ वो तो है ही यार। और भैया और आंटी कैसे हैं? बढ़िया है, सही चल रहा है अभी तो सब, बिजनेस वगैरह भी काफी सेटल हो गया है हमारा। चल ना यहाँ बैठते हैं।
सब बढ़िया है। मैं अच्छे पोस्ट पे स्केच आर्टिस्ट बन गई हूँ और घर में भी सब अच्छा चल रहा है। यार पर तुम स्केच आर्टिस्ट कैसे बन गई? मतलब तुम्हारे घर में तो इतना विरोध था, कैसे? मतलब हाँ, विरोध तो था लेकिन मैं लगातार स्केचेस बनाती रही। तमन्ना, ये क्या फिर से स्केच? जब देखो तब स्केच स्केच स्केच। इधर आना मेरी हेल्प करने के लिए, जल्दी से। और एक दिन मैं एक बड़े स्केच आर्टिस्ट के पास इंटरव्यू देने गई और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। फिर उन्होंने मुझे बाइबल दी और मैं लगातार बाइबल पढ़ती रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। काफी अच्छा है आपका आर्ट वर्क। और कुछ आपके पास? ठीक है, अच्छा है। यू कैन जॉइन टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऐसे नहीं करना है, ऐसे सिंपल स्ट्रोक देना है, ठीक है? ऐसे काम। सर एक बात पूछो। आप पूछो। सर इस कोटेशन का मतलब क्या है? ये मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ, ठीक है? तो मैं बाइबल पढ़ता हूँ और उसकी बाइबल की एक वर्स है ये, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर जो हमारे विषय में जो कल्पनाएं करते हैं उन्हें वो जानता है और वो हानि की नहीं वरन कुशलता की है और अंत में सब कुछ भलाई होगा। और इसी वर्ड्स को मैं लेके चलता हूँ अपने जीवन में और इसीलिए मैं आज इतना सक्सेसफुल, मेरे स्केचेस इतने अच्छे हैं इसीलिए। और अगर तुम्हें इसके बारे में और कुछ भी जानना है तो तुम भी पढ़ सकती हो। ठीक है सर, मैं ज़रूर पढ़ूंगी इसे। इसी वजह से आज मैं इतनी सक्सेसफुल है यार। और तुम बताओ, तुम भी तो बहुत अच्छी कीबोर्ड आर्टिस्ट हो। क्या बताऊँ यार, कीबोर्ड तो छोड़ो, घर पे कोई प्रैक्टिस ही नहीं करने देता, कोई शांति से रहने भी नहीं देता है। सबको बस ये पड़ी है इसकी शादी 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 शादी, बस शादी करा दो इसकी। देखो अंशिका, आज दुनिया में बहुत सारे लोग जो विरोध करेंगे, पर तुम्हें उसको ओवरकम करके और आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी ऐसे ओवरकम करके आगे बढ़ी हूँ, तुम भी वचन पढ़ो। वचन? कैसा वचन? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अब से मैं वचन भैया आने वाले थे ना लेने। हाँ, मैंने उनको बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ आने वाली। आओ फिर अपन चलते हैं घर। हाँ, चलते हैं।